पूरा शहर जहरीली गैस से सो गया था और मेहुल और भूलभुले साइंटिस्ट लैब में एंटीडोट बनाने का डिस्कशन कर रहे थे कि तभी मेहुल को टिक 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 आवाज आती है। साइंटिस्ट, यहाँ बॉम्ब है, जल्दी अपना सीक्रेट रूम ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी ने दोनों को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। साइंटिस्ट, हमें जल्द से जल्द इस केमिकल वाली गैस का एंटीडोट तैयार करना होगा। आज तो बच गए लेकिन ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डॉक्टर संजना को भी एंटीडोट पे काम करने के लिए बोल दिया है। तभी मेहुल को कुछ हेलीकॉप्टर जैसा सुनाई देता है। मेहुल खिड़की से देखता है तो भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है जयकाल आर्मी हमें मारने के लिए दोबारा आ गई है। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट की लैब से एक टेलीस्कोप उठाता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मैं टेलीस्कोप की मदद से देखता हूँ कि वो कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार है। अब वहाँ 3 खिड़कियाँ मौजूद थी जिसकी मदद से मेहुल बाहर देख सकता था। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी खिड़की से मेहुल बाहर देखेगा, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, पहली खिड़की के ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है और अगर मेहुल यहाँ से झांकेगा तो वो जयकाल आर्मी को दिख जाएगा और उस पर फायरिंग हो सकती है। दूसरी और तीसरी खिड़की में छज्जा मौजूद है लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और जयकाल आर्मी का हेलीकॉप्टर पेड़ के पास आ नहीं सकता और हेलीकॉप्टर से पेड़ के नीचे देखना मुश्किल भी होगा। तो पेड़ के पीछे वाली खिड़की से देखना मेहुल के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट होगा। मेहुल तीसरी खिड़की में टेलीस्कोप लगाता है और 3 हेलीकॉप्टर्स को ध्यान से देखता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग गन लेकर तैयार थे और हेलीकॉप्टर के अंदर जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी मौजूद था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जयकाल का राइट हैंड सूर्या हेलीकॉप्टर के अंदर है, मुझे कुछ करना होगा। सूर्या भी मेहुल को देख लेता है। अरे ये तो अब तक जिंदा है। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मुझे एक हथियार चाहिए ताकि जयकाल आर्मी का सामना कर सकूं। भूलभुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपनी लैब से मेहुल को 2 स्पेशल रिवॉल्वर देता है। दोनों रिवॉल्वर की बुलेट ब्लास्टिंग वाली बुलेट थी, मतलब टारगेट में लगने के बाद बुलेट ब्लास्ट हो जाती है। अचानक जयकाल का राइट हैंड सूर्या और जयकाल आर्मी भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब मेहुल के पास घर से बाहर जाने के लिए वही 3 खिड़कियां मौजूद थी। मेहुल एक एक करके 3 खिड़कियों से नीचे देखता है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कौन सी खिड़की से मेहुल नीचे कूद सकता है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहली खिड़की के नीचे चारे का ढेर डला हुआ है, अगर मेहुल यहाँ से कूदेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। दूसरी खिड़की के नीचे छोटा सा नाला बह रहा है, वहां की मिट्टी बहुत गीली है इसलिए मेहुल को यहाँ से भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन पहली और दूसरी खिड़की से अगर मेहुल कूदेगा तो जयकाल आर्मी उसे देख लेगी और मेहुल पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगी। लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक पेड़ लगा हुआ है, वहां से जाना मेहुल के लिए सेफ रहेगा क्योंकि मेहुल इतना विजिबल नहीं रहेगा। भूलभुलैया साइंटिस्ट, मैं चाह रहा हूँ मेरे जाते ही सारी खिड़कियां लॉक कर देना। मेहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ पे लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहां से मेहुल अपनी दोनों गन निकालता है और छुपकर जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर को टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी नहीं चुकता। मेहुल गोली चला देता है और बुलेट सीधे जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर लग जाती है। जैसे ही गोली उस पर लगती है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। इसके बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना लगाने जाता है तभी जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को देख लेता है और एक हैंड ग्रेनेड मेहुल के ऊपर फेंक देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूदता है और इतने में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा ऊपर के गिरने की वजह से मेहुल के पैर पे चोट आ जाती है और सूर्या मेहुल पे फायरिंग भी शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल लंगड़ लंगड़ के भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उधर लैब के अंदर डॉक्टर संजना जयकाल आर्मी के उन 5 लोगों का चेकअप कर रही थी जो नकली पुलिस वाले बनकर आए थे और आलिया वहाँ बैठकर एप्पल खा रही थी और अपने मोबाइल पर डिटेक्टिव मेहुल गेम खेल रही थी। इस क्राइम सीन में आलिया को एक मर्डर वेपन ढूंढना है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इस क्राइम सीन में मर्डर वेपन कहाँ छुपा हुआ है? ढूंढिए ढूंढिए लॉजिकल आर्मी और अगर मिल जाए तो वीडियो को लाइक करके बताएं। मर्डर वेपन यहाँ छुपा हुआ है, इसमें खून लगा हुआ है और डेड बॉडी में भी खून है। आलिया अक्सर अपने डिटेक्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल गेम खेलती है। आप भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल गेम डाउनलोड कर लीजिए। फिर डॉक्टर संजना आलिया को एक इंजेक्शन देती है जो 5 ml का है और 8 आवर्स के लिए इंसान को सुला देता है। डॉक्टर संजना पांचों को 16-16 घंटे के लिए बेहोश करने का प्लान बनाती है।
लॉजिकल आर्मी उन पांचों को 16 घंटे के लिए सुलाने के लिए कितने इंजेक्शंस लगेंगे, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक आदमी को 8 घंटे तक बेहोश करने के लिए 5 ml की एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसी आदमी को 16 घंटे तक बेहोश रखने के लिए 2 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब टोटल 5 आदमी है तो टोटल 10 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आलिया एक एक करके सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और सारे जैकल आर्मी के लोग 16 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं और आलिया फिर से अपने मोबाइल पे डिटेक्टिव मेहुल गेम खेलने लग जाती है। वहीं डॉक्टर संजना जैकल आर्मी के एक आदमी का ब्लड निकालती है और उसे टेस्ट करने के लिए लैब के दूसरे कमरे में चले जाती है, लेकिन तभी उन पांचों में से एक आदमी को होश आ जाता है और वो डॉक्टर संजना की एक बड़ी कैची उठाकर धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। आलिया मोबाइल की स्क्रीन पर बिजी थी, लेकिन आलिया को अपनी स्क्रीन में पीछे से जैकाल का आदमी आते हुए दिख जाता है। आलिया अपनी चेयर घुमाती है, खड़ी होती है और उसे जोरदार किक लगाती है और वो दूर जाके गिरता है और फिर वापस आलिया उसके नेक पे इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है। उधर भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। साइंटिस्ट बहुत होशियार था, वो डिटेक्टिव मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट्स देखने लगता है। वहीं जैकाल का राइट हैंड सूर्या स्नाइपर बंदूक से निशाना लगाता है और पेड़ के पीछे छुपे मेहुल को टारगेट करता है। गोली मेहुल के बिल्कुल बगल से निकल जाती है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ ज्यादा देर छुपने का कोई फायदा नहीं है और मुझे भूलभुलैया साइंटिस्ट को भी बचाना है, वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। मेहुल अपनी दोनों रिवॉल्वर लेकर पीछे की तरफ भागता है और जैकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हवा में फायरिंग करने लगता है। मेहुल की किस्मत अच्छी थी और एक गोली जैकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर में लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक की जगह हेलीकॉप्टर से बम फेंकने लगता है। एक बम मेहुल के पास आके गिरता है और बम ब्लास्ट होते ही मेहुल उछलकर दूर जाके गिरता है। अब मेहुल बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी गन भी ब्लास्ट में हाथ से छूट जाती है। मेहुल खड़े होने की कोशिश करता है मगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उधर जैकाल के राइट हैंड सूर्या का हेलीकॉप्टर तेजी से मेहुल की तरफ आ रहा था। क्या सूर्या मेहुल को मार देगा या फिर मेहुल दोबारा खड़े होकर जैकाल के राइट हैंड सूर्या का मुकाबला करेगा, देखते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।